156 की रफ्तार से मैदान पर मचेगा हाहाकार। तूफानी गेंदबाज की गंभीर ने अचानक कराई एंट्री। टीम इंडिया में आने वाला है 156 की रफ्तार से गेंद फेंकने वाला गेंदबाज। बांग्लादेश के उड़े होश। टेस्ट के बाद अब T20 में बांग्लादेश को चित करनी। टीम इंडिया में आ रहा स्टंप तोड़ गेंदबाज। एक वक्त था जब भारत टीम को गेंदबाजी के लिहाज से बाकी टीमों की तुलना में कम आंका जाता था, लेकिन मौजूदा वक्त में भारतीय गेंदबाज दुनिया के टॉप गेंदबाजों में शुमार किए जाते हैं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज जैसे तेज गेंदबाज भारतीय बॉलिंग को दुनिया में मशहूर कर चुके हैं। इस बीच अब BCCI करीब 155 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकने वाली गेंदबाज को टीम इंडिया में लाने की तैयारी कर रहा है। यहां हम बात कर रहे हैं तेज गेंदबाज मयंक यादव की। IPL 2024 में मयंक यादव लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने अपनी तेज रफ्तार से सभी का ध्यान खींचा था। हालांकि वो IPL में ज्यादा मैच नहीं खेल पाए और चोटिल हो गए थे। अब कथित तौर पर मयंक यादव फिट हो चुके हैं और उन्हें टीम इंडिया में लाने की तैयारी की जा रही है। मयंक यादव ने IPL 2024 में अपनी स्पीड से सनसनी मचा दी थी, तभी से फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट उन्हें टीम इंडिया में सेलेक्ट करने की मांग करने लगे थे। लेकिन डेब्यू सीजन के चौथे मैच में ही वो चोटिल होकर बाहर हो गई थी। हालांकि ताजा रिपोर्ट के अनुसार मयंक को पिछले एक महीने से कोई समस्या नहीं है। अब टीम इंडिया के सेलेक्टर्स उन्हें इंटरनेशनल मैच में उतारने की सोच रहे हैं, इसलिए उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज से पहले नेशनल क्रिकेट अकेडमी के कैंप में शामिल किया गया है। वो रियान प्राग, हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा के साथ NCA में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली सिलेक्शन कमेटी मयंक यादव पर लगातार नजर बनाए हुए है। रिपोर्ट के मुताबिक मयंक यादव पिछले एक महीने से पूरी तरह झुककर गेंदबाजी कर पा रहे हैं। उन्होंने किसी तरह के दर्द की कोई शिकायत नहीं की। फिलहाल वो हर रोज 3 स्पेल्स में 20 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। अब सिलेक्टर्स देखना चाह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कितना फिट है। सिलेक्शन कमेटी ने टीम इंडिया के भविष्य के गेंदबाज के तौर पर देख रही है। ऐसे में मयंक यादव को बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में डेब्यू कराया जा सकता है। इतना ही नहीं, मयंक यादव न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान भारतीय टीम के साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं। BCCI के सूत्रों का कहना है कि उनके लिए पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। उसके हिसाब से फिलहाल उन्हें सिर्फ T20 मुकाबलों के लिए हरी झंडी दी गई है। वो अभी रणजी ट्रॉफी में हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे। भारतीय टीम को अगले कुछ महीनों में कई टेस्ट मैच खेलने हैं, इसलिए भी सिलेक्टर्स टेस्ट के स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को आराम देकर नए चेहरे आजमाना चाहते हैं। मयंक यादव के साथ हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा भी बेंगलुरु के NCA कैंप में मौजूद है। उन्होंने पिछले 2 महीनों में इंटरनेशनल क्रिकेट में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए दोनों खिलाड़ी बांग्लादेश T20 सीरीज से पहले जमकर पसीना बहा रहे हैं। मयंक यादव ने IPL 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से डेब्यू किया था। उन्होंने शुरुआती मैचों में 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक कर IPL के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। मयंक IPL में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं। मौजूदा समय में इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड की गिनती दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में होती थी। आर्चर अभी तक 153.6 किलोमीटर प्रति घंटा और वुड ने 156.6 की स्पीड से गेंद फेंकी है। मयंक के पक्ष में जो बात कह सकती है वो ये कि मुख्य कोच गौतम गंभीर और नव नियुक्त गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉर्कल दोनों उनके साथ पहले लखनऊ सुपर जायंट्स में काम कर चुके हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की T20 सीरीज 6 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 16 अक्टूबर से खेली जानी है। तो आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।